लालू प्रसाद यादव के और लालू परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, आरजेडी परिवार को लेकर और राजद में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटालों को लेकर लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाने वाले भोला प्रसाद यादव को आज गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने। आपको बता दें कि सुबह से ही जिस प्रकार सीबीआई की रेड चल रही थी, अब भोला प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। अगर भोला प्रसाद यादव किसी भी प्रकार का राज उगलते हैं, अगर आईआरसीटीसी रेलवे घोटालों को लेकर, तो लालू परिवार के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जब से भोला प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई है, केवल लालू परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजद में बेचैनी है। आपको बता दें कि लालू परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव पिछले दो दशक से लालू यादव के साथ सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव को लालू यादव का हनुमान भी कहा जाता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिन जब इलाजरत थे तो भोला यादव ही उनके साथ रह रहे थे। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापा पड़ा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य भी सही नहीं है। फिलहाल कुछ दिन पहले पारस अस्पताल में थे, उसके बाद दिल्ली एम्स में गए। अब लालू प्रसाद यादव हालांकि फिट हैं, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है, लेकिन लगातार लालू प्रसाद यादव और राजद को एक से एक बड़ा झटका मिल रहा है। आज जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव के परिवार के काफ़ी करीबी और हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेशी के दौरान रिमांड पर लिया है और भोला यादव से कई राज उगलवाने की कोशिश जरूर करेंगे सीबीआई वाले। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती, लालू परिवार के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी इसका भारी सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से मुसीबतों में घिर रही है लालू परिवार। आपको बता दें कि भोला यादव के गिरफ्तारी पर पूरे परिवार में बेचैनी है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।